नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। महत्वाकांक्षी काठल नल जल परियोजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा कर दिया गया है। गौरतलब है कि 25 करोड़ की लागत से आने वाली इस योजना में आगामी 2050 तक को ध्यान में रखते हुए इसका पूरा प्लान तैयार किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काठल नल जल परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी की मौजूदगी में हुआ। क्षेत्रीय विधायक प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि नगर के प्रत्येक घर में मुख्यमंत्री द्वारा दी गई 25 करोड़ की लागत से बनने वाली काठन नल जल योजना से शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त परियोजना 27 माह में बनकर पूर्ण हो जाएगी। ये परियोजना आगामी वर्ष 2050 की जनसंख्या वृद्धि के मान से बनाई गई है। गरखुआ स्थित काठन नदी से बड़ा मलहरा के हर घर तक 42 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का जाल बिछाया जाएगा। 10 वर्षों तक संधारण संचालन की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी। टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है। इस दौरान सीएमओ प्रदीप रिछारिया के अलावा भाजपा मंडल अध्यक्ष बिरजा प्रसाद पटेरिया, डॉक्टर रमेश अग्रवाल, सुनील मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज हमारे बड़ा मलहरा के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बड़ा मलहरा नगर को बड़ी सौगात दी है। पेयजल के लिए हमारे लिए 25 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि हमारे लिए स्वीकृत हुई, जिसका टेंडर हो गया है और आने वाले 27 महीनों के पहले हमारे यहाँ फिल्टर्ड वाटर पानी, फिल्टर्ड जल घर घर में नल लगा कर दिया जाएगा। और अभी करीब 2150 घरों में ये जल दिया जाएगा। बहुत सी सौगातें बड़ा मलहरा के लिए और पूरे विधानसभा के लिए मिलने वाली हैं, चाहे कॉलेज का अपग्रेडेशन की बात हो, चाहे हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन की बात हो, महाविद्यालय घुआरा और नया विद्यालय वहाँ खुला जाना है उसके लिए, और भी ऐसे बंधा चमरोई और बमोरी में स्वास्थ्य केंद्र खोले जाना है जो आने वाले बजट में आएंगे, और भी बहुत सी योजनाएं हैं जो आने वाले बजट में आने वाली हैं और उनका लाभ भी हमें मिलने वाला है। उन्होंने हमारे शहर को बहुत बड़ी सौगात दी है और इस योजना के माध्यम से पूरे नगर को 24 घंटे स्वच्छ फिल्टर्ड पानी मिलेगा, जिससे कई प्रकार की बीमारियाँ दूर होंगी और परेशानियाँ भी दूर होंगी। आपसे क्या बात है? हमसे जो नगर पंचायत के द्वारा चलने वाली योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलने वाली योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी हमसे दी उनने, तो हमें जैसे संबल का लाभ मिला था तो उसके हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया और कई लोगों को कंटिन्यू कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है,